हेलो फ्रेंड्स, टीम यस वी कैन की ओर से आप सभी दोस्तों को अपनी इस दोस्त का प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों, रुक करते हैं अपने कंप्यूटर क्विज सेशन का और लेते हैं इससे रिलेटेड सवाल और उनकी जवाब। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट? इनका आंसर है विंडसर्फ को। नेक्स्ट, ऐसे शख्स का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम खुद को ईमेल के जरिए संदेश भेजा। सही जवाब है रेमंड टॉमिलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW की खोज किसने की? सही जवाब है टिम बर्नर्स ली। फिर से बोल रहे हैं नाम, टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस मोबाइल इंफॉर्मेशन मैनेजर का काम करती है? सही जवाब है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसको PDA कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हमें अंडू किए हुए प्रोसेस को फिर से रिपीट करना हो या रीडू करना हो तो इसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट कमांड यूज करेंगे? सही जवाब है Ctrl+Y। नेक्स्ट क्वेश्चन, IEEE स्टैंडर्ड 802.3 किसके लिए होता है? इसका सही जवाब है ईथरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेम किस OSI लेयर का प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है? सही जवाब है OSI लेयर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, OSI का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर सामानों का व्यापार करने के लिए किस शब्द का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है और इसके लिए उपयोग होता है ई-कॉमर्स। अगर मान लीजिए साहब, आप इंटरनेट से पूरा मतलब साबुन, सर्फ, शैम्पू, कंघी, जो भी अपने घर का सामान है, चावल, दाल ये वगैरह वगैरह आप खरीद रहे हैं, सपोज करिए किसी ने पेन ड्राइव भी खरीदा, मोबाइल भी खरीद लिया, साथ टीवी भी खरीदी, सब कुछ आपने खरीदा, तो ये जो आप खरीद रहे हैं और आपको सामान पहुंचाया गया, तो उस तरह के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ई कॉमर्स। ये ई कॉमर्स का ही सारा खेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एप्लीकेशन जिसके जरिए किसी निश्चित समय में एक ही यूजर द्वारा डेटाबेस एक्सेस किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है सिंगल यूजर डेटाबेस एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? सिंगल यूजर डेटाबेस एप्लीकेशन। नेक्स्ट, एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? सही जवाब है 4 बिट्स के। क्वेश्चन नेक्स्ट, जहां फाइल्स और सब फोल्डर्स रखे जाएं उसे क्या कहा जाता है? सही जवाब है फोल्डर, ठीक है। देखिए यहां पे लिखा है सब फोल्डर, फाइल लिखा होता और फोल्डर लिखा होता तो माना जा सकता था कि ड्राइव है, ठीक है, लेकिन यहां पे लिखा है सब फोल्डर। जब फोल्डर ही नहीं होगा तो सब फोल्डर के होने का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना। तो जब भी फाइल और सब फोल्डर आता है तो आप उसका आंसर लिखेंगे फोल्डर। नेक्स्ट, दो तरीके कौन कौन से हैं जिनके जरिए डेस्कटॉप पर बहुत से विंडोज को अरेंज किया जा सकता है, यानी मल्टीपल विंडोज को आप अरेंज कर सकते हैं इन दो तरीकों से? तो इसका आंसर है, ध्यान से सुनिए, एक है कैस्केड और दूसरा है टाइल। कैस्केड, टाइल, ठीक है। नेक्स्ट, उस सेवा का नाम बताइए जिसके जरिए कोई संस्था अपनी वेबसाइट बना सकती है। तो सही जवाब है वेब होस्टिंग। अगर वेब होस्टिंग नहीं होगी
तो आप कोई भी साइट बना करके वहाँ अपना डेटा होस्ट नहीं कर सकते हैं, अपना डेटा अपलोड नहीं कर सकते हैं। डेटा अपलोड करने को क्या बोला जाता है? डेटा होस्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट, वेब पेज पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए कौन सा HTML टैग यूज किया जाता है? देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब अगर आप एक स्केल को खड़ा करके रख दिए सीधा, ठीक है, और अगर उसकी पोजीशन ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है तो वो कौन सी लाइन हो गई? हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप उस स्केल को दाएं से बाएं की तरफ रख दिए हैं तो वो कौन सी लाइन हो जाएगी? वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए कौन सा HTML टैग यूज होता है? लेस HR ग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोसर्व के लिए किस इमेज फॉर्मेट को डेवलप किया गया है? सही जवाब है GIF इमेज फॉर्मेट को। अब लास्ट क्वेश्चन है, पहला सुपर कंप्यूटर जो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया उसका क्या नाम था? सही जवाब है परम। तो देखिए दोस्तों, पहला तो सुपर कंप्यूटर जो इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया था वो आपने जान लिया, परम। और दूसरा जो सुपर कंप्यूटर था जो कि इंडियन साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया था उसका नाम था अनुराग, ठीक है। तो इसी के साथ ये कंप्यूटर की क्विज का सेशन यहीं पे होता है खत्म। लेकिन दोस्तों, क्या ये सेशन ऐसे ही खत्म होगा? नहीं। हम फ्रेंड्स आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस रिकॉर्डिंग को खूब एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा दोस्तों जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत को दिल से सलाम करते हुए एक बार फिर आप सभी को कहना चाहेंगे प्यार भरा नमस्कार।